नाने उर्दू न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहती। तो भारत हॉस्पिटल का मकसद आपकी सेहत, मल्टी स्पेशलिटी और नर्सिंग होम चौबत में कहां मिलेगा? भारत मेडिकल पर मिलेगा। भारत मेडिकल पर सब मिलता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज में आपका इस्तकबाल है। चले जानते हैं आज की खबर। नोटरीज एसोसिएशन महाराष्ट्र के अहदेदारान का दौरा नांदेड़। नोटरीज एसोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र के अहदेदारान नांदेड़ तशरीफ लाए थे। इस मौके पर नांदेड़ जिले के नोटरीज का एक इजलास मुनक्कद किया गया था। इस मौके पर नांदेड़ के पहले नोटरी और मारूफ माहिर कानूनदा खादी मोहम्मद जुल्फकारुद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि रियासत महाराष्ट्र में नोटरीज एसोसिएशन के हर जिले में शाखे कायम करना है। इन्होंने कहा कि एसोसिएशन के जिम्मेदारान ने अब तक 13 अजला का दौरा किया है। एमजेड सिद्दीकी ने कहा कि नोटरी के ताल्लुक से अवाम में बदगुमानियां हैं, इन्हें दूर किया जाएगा और अवाम को बेहतर से बेहतर खिदमत दी जाएंगी। इन्होंने कहा कि तमाम अजला का दौरा मुकम्मल होने के बाद रियासती सतह पर एसोसिएशन की तश्कील दी जाकर रियासती सतह की कॉन्फ्रेंस होंगी। एमजेड सिद्दीकी ने एसोसिएशन के अहदेदारान को यकीन दिलाया कि जिले नांदेड़ के तमाम नोटरी एसोसिएशन के साथ वाबस्ता होंगे। वर्कशॉप लिया है हमने, जो नोटरी की समस्या है वो समस्या सुलझाने के लिए, आपस में बातचीत करने के लिए और आदान प्रदान करने, विचारों का आदान प्रदान करने के लिए हमने ये वर्कशॉप हर जगह हम बुलाते हैं, हम हर जगह ऐसा अरेंज करते हैं, उसी तरह आज यहाँ नांदेड़ में अरेंज किया है। इससे पहले 2 महीने पहले हमने सितंबर एंड में सांगली में वर्कशॉप आयोजित किया था, इतना अच्छा उसका असर मिला हमें, आज भी वैसा ही यहाँ अनुभव आया है। और ये एक नोटरी के लिए एक ज़रूरत है आज कि कायदे में जो तरतू दिया है वो नोटरीज को डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़ता है। नोटरी को बैठने को लगे जगह नहीं है, नोटरीज को स्टैम्प एक जगह नहीं मिलता, नोटरीज को उसके बारे में पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट्स होता है, बहुत से कंप्लेंट्स बोगस होता है, फिर भी पुलिस उनको हरास करता है। इस सब चीज़ों के लिए क्या हमारे पास रिप्लाई है, क्या हमारे पास उनके लिए रेमेडी है, ये सब बताने के लिए हम यहाँ आए। हम कोल्हापुर से आए, ये नोटरी एसोसिएशन महाराष्ट्र हमने स्थापन किया है, उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है 2018 में और उसके बाद हमने ये काम शुरू किया है। हर महाराष्ट्र के हर जिले में हम जाने वाले हैं, महाराष्ट्र के हर जिले के जो नोटरीज हैं उनको मिलने वाले हैं और उनको लेने वाले हैं, सभासद करने वाले हैं और उनका जो कुछ प्रॉब्लम्स है, समस्या है, वो छुड़ाने के लिए फॉर द वेलफेयर ऑफ द नोटरीज हम ये काम कर रहे हैं। राष्ट्र ये पूरे महाराष्ट्र के लिए रजिस्टर हुई है और उसके सदर, नायब सदर, सेक्रेटरी साहब नांदेड़ आए हुए हैं और नांदेड़ ज़िले के नोटरीज भी इंशाल्लाह इस एसोसिएशन के सदर मेंबर बन जाएंगे, जो हमारे सबके लिए अच्छा है। ये इसलिए ज़रूरी है कि हमारे नोटरीज में एक किस्म का अखलाक पैदा हो, प्रोसीजर पैदा हो और उसका अच्छा लोगों पर असर पड़े। आजकल नोटरी के बारे में जो लोगों के जहन में बदगुमानियां हैं वो इंशाल्लाह इस एसोसिएशन की तरफ से दूर हो जाएंगे और हम कोशिश इस बात की करेंगे कि महाराष्ट्र के नांदेड़ के लोगों को अच्छे से अच्छी तरीके से नोटरी की खिदमत देंगे। और इस लिहाज से ये लोगों ने जो शुरू किया है, अब तक 13 ज़िले हुए हैं, हमारा 14वां ज़िला है, अभी बहुत से ज़िले बाकी हैं। तमाम ज़िलों के होने के बाद एक फेडरल यानी यूनियन के तौर पर, मुत्तहिदा तौर पर इसमें तमाम ज़िले के लोग शरीक हो जाएंगे और उसके बाद स्टेट लेवल पर एक कॉन्फ्रेंस लेने का ऐसा हमारे सदर साहब ने कहा है। इस पर हमको यकीन है और उम्मीद करते हैं कि नांदेड़ के नोटिस इस आज के इस मीटिंग में जो कुछ भी तय पाया है उसको जो है अपने दिली शौक से जो है कबूल करेंगे, मंजूर करेंगे। खुदा हाफिज़। नोटरीज एक्ट के तहत नोटरी यहाँ जो प्रैक्टिस करते हैं महाराष्ट्र में, उनके मसाइल को हल करने के लिए और खुसूसन नोटरीज की डिग्निटी, डिक्रम को मेंटेन करने के लिए यहाँ जो इंटरेक्शन हुआ हुआ है वो यहाँ के नोटरी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हुआ हुआ है। यानी आने वाले मेहमानों ने जो मालूम दी हैं, वो इंफॉर्मेटिव सब्जेक्ट दिए हैं, उससे लोगों में नोटरी को मुआवजा करना, मुहासबा करना, उनकी मालूम देना, लोगों को मुतहद करना,
उन लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाना, उनके मसाइल को हल करना, इस इजलास का मकसद था। तो इजलास को मुनाकद करने वालों ने जो मेहनत की है, कोशिशें काविश की हैं, वो काबिल मुबारकबाद है, लायक तकलीद है। और इस किस्म की कोशिशें हर ज़िले में होनी चाहिए ताकि नोटरी में डिग्निटी, डिकोरम और डिसेंसी बरकरार रहे और यहाँ की जो नोटरी की जो इज्जत एहतराम बरकरार रहे उसको फिर से कराए। क्योंकि ये जो नोटरी का जो अहदा है वो वकील उस पर ज़्यादा उसकी अहमियत होती है। हमारे यहाँ मुख्तलिफ कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक्स और प्लास्टिक के तमाम सामान और फर्नीचर दस्तियाब है। एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दें। प्रोपराइटर हाफिज मदरुल्ला बेग, अदर बेग, अल बरकात होम अप्लायंसेस फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, टायरबोर्ड दिगलू नाका नांदेड़। नानेवड़ न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहती, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।